ज्ञान बापी मस्जिद है या मंदिर, आखिर क्या है इसका सच? इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्ञान बापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, यह वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इसे ज्ञान बापी मस्जिद बना दिया। ज्ञान बापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआ। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सर्वे होने के बाद से ये ज्यादा चर्चाओं में है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञान बापी कुआ में छुपा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञान बापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञान बापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञान बापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1936 में पूरे ज्ञान बापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। गांधी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञान बापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञान बापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की वकील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञान बापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में एक मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 के मामले में बादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञान बापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थान को भी ध्वस्त कर दिया था। मान्यता है कि पश्चिमी दीवार, जो कि पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है, वो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार ही होगा, जिसे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया था, और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है, जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के 3rd दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यह पूजा होती है, परंतु 1991 के पहले यह नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। 2021 में 5 महिलाओं का इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था। जताई गई आशंका के अनुसार फब्बारे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फब्बारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार के फूल की आकृति बनी हुई थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 6 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंटें लगाकर दरवाजों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4-4 पुराने खंभे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 2-2 नए पिलर नई ईंटों से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल
और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई हैं। इसके साथ ही घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी हैं, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय ही करे और 17 मई को आदेश जो था कि शिवलिंग की सुरक्षा की और नमाज में कोई बाधा न आए और वो 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई गर्मी के छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और जज ए.के. विश्वेश को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष की रिपोर्ट फाइल मिली पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियां, वजू खाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले दिन वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने कोर्ट गईं पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने की जांच के आदेश दिए। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 51 पन्नों का अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मी की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई और हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, कमेंट करके बताएं।